राधे राधे। अभी मैं कुछ दिनों से बाहर थी तो मेरा थोड़ा सा गला खराब हो गया है, तो आज आपको इसी आवाज़ में सुनना पड़ेगा। अभी मैं बाहर थी तो मैंने वहाँ देखा कि काफ़ी सारे लोग इस छोटे छोटे बिजनेस को करके भी काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। होता क्या है कि लाइफ में एक बार सेटलमेंट आ जाए ना, तो फिर अपन किसी भी काम को कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे बिजनेस हैं। मैं इस बिजनेस को इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसकी डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी जो भी हमारे नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दो टाइप की मशीनों को लगाकर भी आप ये पांच व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं। पहली जो मशीन है वो 5,000 से स्टार्ट होगी, और दूसरी मशीन है वो क्लिच और ब्रेक वाली है, वो 14 से 15 हज़ार के बीच में पड़ेगी। तो आप अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप बड़ी मशीन लगाकर अपना व्यवसाय स्टार्ट करें। और स्टार्टिंग में अगर आप चाहें तो घरेलू ट्रेडिशनल मशीनें होती हैं उससे भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना रोज़गार चला सकते हैं। क्लिच और ब्रेक वाली मशीनों की सिलाई और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि इसलिए इन मशीनों का यूज किया जाता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इन मशीनों से कौन कौन से पांच व्यवसाय आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला बिजनेस है पिलो कवर, मतलब तकिया बनाने का। तो आप इन मशीनों से तकिया बनाकर आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन्हीं तकियों में पॉलिस्टर फाइबर भर के भी आप बेच सकते हैं। वैसे पिलो कवर का मैंने एक वीडियो भी बनाया है तो मैं उसकी लिंक दे दूंगी, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। दूसरा व्यवसाय है लोड बनाने का, और इन लोड को बनाकर इसमें जो सबसे सस्ती वाली रुई होती है और जो कपड़े की कतरन होती है ये वो भरी जाती है। इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है, आपने ज़्यादातर देखा होगा रोड के किनारे, और बहुत सारे लोग तो इनको गाड़ियों में भर के भी मार्केट में सेल कर देते हैं, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है। तीसरा व्यवसाय है रेडीमेड बैग और थैले का, क्योंकि मार्केट में रेडीमेड थैलों और बैगों की काफ़ी अच्छी डिमांड है। लोग सिले हुए बैग लेना बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें आप आकर्षक और अलग अलग डिज़ाइनों के ट्रैवल बैग, शॉपिंग बैग बना के आसपास के बैग विक्रेताओं और जनरल स्टोर पर सेल कर सकते हैं। चौथा व्यवसाय है पर्दे का। तो कपड़े को लेकर आप कपड़े को काट कर और जो आपके मार्केट में जो साइज चल रहा हो उस साइज के अनुसार आप पर्दा सिल के उसमें गोल रिंग आते हैं उनको लगाकर आप इन पर्दों को अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं। और हर तरह के पर्दे बनाए जाते हैं, सस्ते भी बनाए जाते हैं, महंगे भी बनाए जाते हैं, तो आप दोनों तरह के पर्दे बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। पांचवा व्यवसाय है पेटीकोट बनाने का। तो पेटीकोट बनाना बहुत आसान होता है, आपके मार्केट में जो साइज चल रहा हो पेटीकोट का उस साइज के अनुसार आप पेटीकोट बनाकर मैचिंग सेंटर, साड़ी सेंटर, इन पे आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है घर में पेटीकोट बनाना कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, रेडीमेड पेटीकोट ही बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहे हैं, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है। तो इस बिज़नेस को करके भी आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इस तरह के बिज़नेस आइडिया मिलते रहें इसके लिए आप हमें लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ऐसी और वीडियोज़ के लिए। बाय बाय। मेक इन इंडिया। काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो क्यों ना इस बिज़नेस को करके दोबारा कर दीजिए, निकल जाऊँगा, टमाटर ले लो, सुना।